हेलो गाइस, आज अपन सीखेंगे पांच सामानों से कैसे मेकअप करते हैं। ठीक है, ये प्राइमर है। अपने चेहरे पे ना फेस पे उसको लॉक कर देता है और बहुत अच्छा प्राइमर है और बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्राइमर है। इसको मैं थोड़ा थोड़ा अपने पूरे फेस पे यूज़ कर रही हूँ। अब फैला लूँगी इसको अच्छी तरह। मैं ये देखो अच्छी तरह फैला लिया मैंने। ये फाउंडेशन है, काफ़ी ज़्यादा फाउंडेशन अच्छा कवरेज कर देता अपने फेस को। ये देखो थोड़ा सा बूंद, एक मतलब एक बूंद लूँगी फाउंडेशन और इसमें पूरा मेरा फेस अच्छा ग्लो आने लग जाएगा। देखो ये थोड़ा सा फाउंडेशन देना है मेरे को, ये फेस पर डब डब करके लगाना है। ये देखो ये मैं लगा लिया डब डब करके। अब इस पर पूरे फेस पे मैं, ये छोटा सा ब्यूटी ब्लेंडर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है और मैं छोटा ही ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ। देखो मैं अपने फेस पर फैला रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से। ये देखो बहुत अच्छा लगेगा। देखो मेरे फेस पर अच्छी तरह फैल गया है ना, सेट हो गया। अब मैं लगाऊंगी कंसीलर। ये कंसीलर भी बहुत अच्छा है, ये मेरे डार्क रखकर और ये हाईलाइट कर देता है थोड़ी थोड़ी जगह पे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये कंसीलर मेरा। देखो मैं लगा रही हूँ आईज़ किधर लगा रही हूँ, नोज़ पे लगा रही हूँ है ना, और चिक्स पे भी लगाऊंगी मैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये। ये ज़्यादा महंगा नहीं, 350 कुछ का है, बहुत अच्छा है। देखो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं यही यूज़ करती हूँ, इसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं करती। देखो देखो मैंने कंसीलर लगा लिया, अब इसको ब्लेंड कर रही हूँ और ये अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएगा और ये उभरा हुआ नहीं लगेगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब मैं लगाऊंगी इस वो बनाना फ्लेवर का लूज पाउडर, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, येलो टोन में आता है। वाइट टोन में लगाएंगे ना तो फेस है ना काला कर देगा, ग्रे कलर कर देगा, बट येलो टोन वाला बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा होता है, फेस को ग्रे कलर भी नहीं करता है। वन तो वाइट वाला आप यूज़ करोगे तो ग्रा कर देगा। देखो मैं अपने फेस पर लगाऊंगी, जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया वहाँ वहाँ लगाऊंगी। देखो यहाँ पे लगा लिया, ये चीक पे लगा लिया, आइज़ के इधर भी लगाऊंगी क्योंकि डार्क सर्कल मैंने यूज़ करे थे ना, वह डार्क सर्कल हो रहे हैं इस वजह से, इससे भी डार्क सर्कल मतलब मैंने कंसीलर लगाया ना सेट हो जाता बहुत अच्छी तरह कंसीलर। देखो ये मैंने लगा लिया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं यही यूज़ करती हूँ। ये मैं अच्छी तरह लगा लूँगी जिससे क्या अच्छा ब्लेंड हो जाएगा। ये देख लीजिए आप है ना। अब मैं इसको एक ब्रश के मतलब ब्रश के हिसाब से, अब मैं इसको मेकअप ब्रश के हिसाब से है ना हल्का हल्का हटा लूँगी, जो ज़्यादा डार्क हो जाएगा ना, ज़्यादा लग गया वो हट जाएगा। देख लो आप, ये मैंने बहुत अच्छी तरह हटा दिया है, काफ़ी ज़्यादा आइज़ के ऊपर से भी हटा दिया क्योंकि मैंने आइज़ के ऊपर भी लगाया था इस वजह से। अब ये आई पैलेट है, ये आई पैलेट मुझे पड़ी थी 700 कुछ की, इसमें बहुत अच्छे शेड है। ये देखो डार्क मैंने ऑरेंज कलर है पर आपको दिख नहीं रहा है, ये डार्क ऑरेंज कलर है, इसको मैं आइज़ पे लगाऊंगी काफ़ी अच्छी तरह, आइज़ पे लगा के इसको ब्लेंड करूंगी। देखो अभी देखो एक बार में लगाने में आपको लगेगा कि देखो आराम से दिखेगा। अब ऐसे मैं दोनों आँखों पर लगा लिया, अब मैं ब्लैक कलर का काजल लूँगी, स्मोकी आइज़ करूँगी। देखो अब इसको काजल को मैं अच्छी तरह अपनी आँखों पर लगा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा अब इसको ब्लेंड करूँगी। देखना ये मेरी काजल अच्छी तरह ब्लेंड होगा। देखो अभी मैंने मस्कारा लगा लिया, मेरे देखो आई मेकअप बहुत अच्छा हुआ है। अब मैं मस्कारा लगा लिया, ये ऐसा बिल्कुल डिप डिप करके नहीं लगाना है, इसको ऐसे यूज़ करना होता है। डिप डिप करने से क्या काफ़ी ज़्यादा मस्कारा आ जाता है। ये देखो अब मैं मस्कारा लगा रही हूँ अपने, देखो मैंने अपने आईज पर मस्कारा लगा लिया, देखो काफ़ी अच्छा लगेगा। उसके बाद मैं तो मैंने दूसरा आँख पे मस्कारा लगा लिया, आई लाइन से लगा लूँगी। देखो कितनी प्यारी लग रही है ना, ये मैं दूसरी आँखों को भी लगा लूँगी। ये देखो लग गई मेरी दोनों आँखों पर, अच्छी लग रही है ना मेरी आईज़ बिल्कुल। अभी रेड कलर की है ना शुगर की लिपस्टिक है, लॉन्ग लास्टिक है, बहुत अच्छी है, आप लगा लो। उसको लगाने के बाद खाना खा लो, कुछ भी खा लो, हटती नहीं है। ये मुझे 700 रुपये की पड़ी थी, बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये मेरा फाइनल लुक आप देख सकते हो, देखना ये मेरा फाइनल लुक है, कैसा लग रहा है आप सभी को कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी है, मेरा पूरा फाइनल लुक है, ज़रूर ज़रूर प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना।